हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सैलेड, कोल्ड पोटैटो सैलेड। ये देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है, जो बेबी पोटैटो आते हैं ना, देखिए उनको हमने ऐसे बॉईल करके फ्रिज में ठंडा कर लिया और हाफ पीस में कट कर लिया है। छीलने के बाद हाफ पीस में कट कर लिया और फ्रिज में ठंडा है ये, तो ये ताकि जो वो है मैशी ना हो पोटैटो। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बाउल में लेंगे हंकर्ड, जो मैंने 1/4 कप से कम ली है। हंकर्ड डालेंगे इसमें। अब हम ये हनी डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। आप थोड़ा कम भी यूज कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। इसके बाद ये मस्टर्ड सॉस है 1/4 टीस्पून। मस्टर्ड सॉस डाल देंगे। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, जरूर ट्राई कीजिएगा आप। हंकर की जगह मेयोनीज ले सकते हैं, पूरा मेयोनीज ले सकते हैं, पूरा आप हंकर्ड ले सकते हैं, जैसे चाहें। अगर आप मेयोनीज पसंद नहीं करते, मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून मेयोनीज भी डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे ये ब्लैक पेपर 2 पिंच एंड सॉल्ट, और इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। और ये है विनेगर 1/4 टीस्पून, इसको डाल देंगे। आप चाहें तो एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं। ये हमारी बन गई है ड्रेसिंग। अब हम इसको असेंबल करते हैं। और देखिए, कैप्सिकम ना हमने बहुत थोड़ा थोड़ा पार्ट लिया है, रेड और येलो बेल पेपर का हमने बहुत थोड़ा पार्ट लिया है। आप जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने टोमेटो को भी 1/4 के करीब टोमेटो लिया है, उसको काट लिया है। थोड़ा सा हम कटा धनिया इसमें डालेंगे और इसके ऊपर से हम डालेंगे अब इसमें ये हमारी ड्रेसिंग। इस समय ना आप टेस्ट करके देख लीजिए कितना खट्टा मीठा आपको चाहिए। और ये देखिए, बहुत ही क्विक ये हमारा सैलेड बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो हमारा ये यमी सा सैलेड जो है वो बनकर तैयार है, जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी जो है वो कैसी बनी। ये 250 ग्राम पोटैटो के साथ मैंने बनाया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो लीजिए, हमारा सैलेड बनकर तैयार है। और ये एक ऐसा सैलेड है जिसको आप बनाकर पहले से फ्रिज में रख सकते हैं, यानी गेस्ट आए तो आपका सैलेड रेडी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।